करते हैं गणित से। आज विषय लेने जा रही हूँ उधार लेकर तीन अंकों की संख्या का घटाव करना। घटाव एक संख्या को दूसरे से दूर करने की एक प्रक्रिया है। ये एक प्राथमिक स्वचालित ऑपरेशन है जिसे घटाव चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है माइनस, और ये दो संख्याओं के बीच अंतर की गणना करने की विधि है। उदाहरण के लिए 795 माइनस 689। यहाँ घटाव पड़ोसी संख्याओं से उधार लेकर किया जाएगा। 795 माइनस 689 आपको देगा 106। आपको 795 के 9 में से एक उधार लेना होगा और 5 को देना होगा, तो वो 15 हो जाएगा स्थानीय मान के अनुसार। फिर आप 15 में से 9 को 689 में घटाते हैं। उसी तरह 795 में अब दूसरा नंबर 8 है, जैसे कि आप पहले ही एक दे चुके हैं, और अब आपको 8 में से 8 घटाने हैं और ये 0 बन जाता है, और 7 घटा 6 1 है, और इसीलिए उत्तर है 106। दयालुता के मूल्य के लिए ये पूरी प्रक्रिया विचार करने योग्य है। कैसे? एक नंबर दूसरे को 1 दे रहा है अपने आप को 1 से कम करके, लेकिन दूसरे की मदद करके। आवश्यक अंक प्राप्त करने के लिए संख्या 785 में 9 की ओर से 1 को 5 को देने के लिए, तो ये संख्या 5 से इसे 15 बनने के लिए धन्यवाद का पात्र है, और वो संख्या भी जो कम होकर नीचे आ गई है वो है 9। जिंदगी में ऐसे कई सारे पल आते हैं जहां बिना मांगे लोग हमारी मदद के लिए आगे आ जाते हैं, और हमें हमेशा उनका आभारी रहना चाहिए। हमारी अपनी माँ जो हमें इस दुनिया में लेकर आई, इसके लिए उसने हमसे कुछ नहीं मांगा, और इसलिए सबसे पहले जिसकी तरफ मुड़ना है वो है हमारी माँ। हमें सब कुछ देने के लिए कृतज्ञता जताना, हमें उबारने के लिए, हमारे ऊपर आने वाले सभी खतरों को कम करने के लिए, हमें सभी संभावित अज्ञात खतरों से दूर कर देती है। देना और कृतज्ञता अभिव्यक्ति की आवश्यकता का एक सरल उदाहरण घटाव प्रक्रिया के माध्यम से चित्रित किया गया है, क्योंकि ये देना और लेना नहीं होता तो ये गणितीय ऑपरेशन होना संभव नहीं था। कार्य को पूरा करने के लिए हमें आवश्यकता है अवधारणा मदद करने की, और निश्चित रूप से ये कृतज्ञता का पात्र है। भले ही मदद एक छोटी सी मदद हो, हमारी मदद करने वाले लोग हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं। अब छात्रों, आप दिए गए सभी MCQs को हल करेंगे, टास्क पूरा करेंगे। कृपया दोनों पूरा करें, ठीक है?